चलिए शुरू करते हैं डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये स्टोरेज के अंदर मैं क्लिक किया, तो मैं जो बता रहा डिस्क मैनेजर पर क्लिक करो। तो डिस्क मैनेजर पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको आपको मिलेगा बहुत सारे ऐसे सिस्टम के अंदर। तो जो पहला जो है, पहला जो मेरा पार्टीशन है वो सी है, मेन जो पार्टीशन है सी। यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर इस तरह से क्रॉस लाइन आती है, मुझे हाईलाइट करके बता रहा है। लेकिन पहली बात हम करेंगे कि इसकी पूरी जानकारी कैसे निकाले, इसकी टोटल कितनी हार्ड डिस्क है। तो ये मान लो कि 465.76, मतलब 500 GB की मेरी हार्ड डिस्क है और उसके अंदर 500.4657, मतलब 500 GB की मेरी हार्ड डिस्क है। उन 500 GB के अंदर मैंने पार्ट बनाए रखे हुए हैं। और मैंने आपको कहा था कि पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन कितने प्रकार के बनते हैं, उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन ये डिस्क मैनेजमेंट होता है और यहाँ से ही हम पार्टीशन बनाते हैं। तो पार्टीशन बनाने के लिए सिर्फ हम राइट क्लिक करते हैं और न्यू सिंपल वॉल्यूम पर कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो स्पैनेट वॉल्यूम, स्ट्रिपेट वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम, रेड 5 वॉल्यूम, रेड 1, रेड 3 भी होता है। तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि किस तरह से। लेकिन अब नेक्स्ट कोई अगली वीडियो में बात करेंगे, जब हम हार्ड डिस्क की पूरी जानकारी के लिए जब बात करेंगे तब। तो यहाँ पर पार्टीशन के बारे में बात हुई है, तो पार्टीशन के बारे में बात करेंगे। ये हमारे सिस्टम का मेन पार्टीशन हो, एन टी एफ एस होता है, NTFS होता है, फैट होता है, FAT32 होता है। यहाँ पर जैसे मैं प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो NTFS लिखा हुआ है। तो जैसे मैं प्रॉपर्टीज पर क्लिक करता हूँ तो ये छोटी सी विंडो आती है और छोटी सी विंडो के ऊपर आप देख सकते हो कि जनरल लिखा हुआ है। जनरल होती है क्यों? क्योंकि जनरल मेन चीज जो टैब होती है हमारी मेन सिस्टम की टैब, वो टैब होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ लिंक हो रहा है यहाँ पर, कर तो यहाँ पर कुछ आप नाम भी लिख सकते हो, एड भी लिख सकते हो। लेकिन मुझे इसको कोई छेड़खानी करनी नहीं है, कुछ भी चेंजिंग करना नहीं है, तो इसको मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ूंगा। बात आती है कि ये पार्टीशन कितना यूज़ हुआ है, कितना नहीं हुआ। तो जितना यूज़ है वो यहाँ पर ब्लू बताएगा और विंडोज 7 में भी आप इस तरह का बताएगा। यहाँ पर विंडो 8 हो या विंडो 8.0, यही इसी तरह की विंडो ही होगी। लेकिन पहला यूज स्पेस होगा और यहाँ पर फ्री स्पेस होगा और लास्ट में जो तीसरा होगा वो कंप्लीट आपका पूरा का पार्टीशन का टोटल साइज होगा। तो ये साइज है, तो कितनी साइज यूज हो गई है मेरी, 36.8, बाकी कितनी बची है 8, और यहाँ पर कुल इन दोनों का टोटल 45.4 GB है। और डिस्क क्लीनअप क्या होता है वो भी मैं पढ़ाऊँगा, कंट्रोल पैनल में ही पढ़ेंगे क्या होता है डिस्क क्लीनअप। तो टूल्स के बारे में भी हम दोनों की जानकारी आपको मैं दूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। हार्ड डिस्क दोनों टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कंट्रोल पैनल के अगले वीडियो के अंदर। तो हार्डवेयर जो होता है वो, हार्डवेयर क्या होता है ये मैंने जैसे आपको कहा था कि ये मेरा ड्राइवर जो है, ये ड्राइवर है। तो प्रीवियस डेटा के बारे में बात कर सकते हैं, प्रीवियस वर्जन जो होता है हमारा, ये प्रीवियस को भी वो वर्जन हम इस्तेमाल कर सकते इसको। लेकिन कब आपको इसने मॉडिफाई किया होगा तब, लेकिन मैंने कोई मॉडिफाई नहीं करना है। कोटा क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोटा वो चीज़ होती है, मान लो कि किसी यूज़र को आपको, मान लो कि मैंने किसी, मेरा फ्रेंड है, उस फ्रेंड को मैंने ये पार्टीशन मैंने दे दिया कि भले तू मेरे कंप्यूटर में लॉगिन कर रहा, जितना मैं डाउनलोड कर रहा कर, लेकिन उस पार्टीशन को मैंने कोई लिमिट दे दी कि भाई 10 GB के अंदर ही तू इसको सेट कर पाएगा, 10 GB से ज़्यादा इस पार्टीशन को यूज़ तू नहीं कर पाएगा। तो आप सेट कर सकते हो, यहाँ पर इनेबल कर सकते हो और देख सकते हो यहाँ पर इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसको मैं कुछ नहीं करने वाला। तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि कोटा इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप डेटा मान लो कि 500 GB का हमारा हार्ड डिस्क होता है, तो जितना भी आप दे सकते हो यहाँ पर, जो हमारी विंडोज़ जो होती है वो यहाँ का कुछ जो ये पार्टीशन जो है रेड है,
तो क्या होता है, ये पार्टीशन कह रहा है कि आपकी लीक्स की पे जो पेस है वो लो है, मतलब कम है, और उस पार्टीशन को आपकी हाईलाइट बता के आप उसकी लिमिट ख़त्म होने में देर नहीं है, मतलब उसकी लिमिट ख़त्म होने आई है। उस यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ब्लू कलर के हैं और कुछ रेड कलर के, तो ये पार्टीशन की चीज़ें होती है। और मान लो कि वहाँ पर यहाँ पर 15 GB कम बाकी है, तो 15 GB से ही वो रेड हो जाएगी, तो बता रहेगा 15 GB आपकी बाकी है, क्योंकि आप उस डेटा को कोई जगह पर स्टोर करते हो और वो स्टोर होता जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, विंडो अपने हिसाब से हाईलाइट करता है आपको बताने के लिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्विसेज एंड एप्लीकेशन है, तो सर्विसेज के बारे में मैं आपको कहूँगा कि सर्विसेज जो होती है हमारे ये सेकंड टाइम पर, तो इस सर्विसेज के बारे में आपको मैं कंट्रोल पैनल की वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल तो मैंने कहा था कि आपको कि सर्विसेज को मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन उसकी मेन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जी है, जैसे कि आप देख सकते हो कि कंट्रोल पैनल के अंदर मैंने आपको कहा था कि जितने भी सर्विसेज वगैरह होगी हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर, तो पहले मैं आपको सर्विसेज के बारे में बता दें कि सर्विसेज में क्यों नहीं पढ़ाता अभी, क्योंकि सर्विसेज का अलग ही उसका विंडो दिया है, फिर शायद वहाँ से मैं सिस्टम के अंदर सेट करूँ कि यहाँ से मैं सेट करके बताऊँ, दोनों एक ही आएंगे। तो जब हम यहाँ से आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तब सर्विसेज के बारे में डिटेल में ही पढ़ेंगे हम, तो हमारा कंप्यूटर मैनेजमेंट यहाँ पर सेट होगा। IIS ग्रेजुएट के बारे में बात की है, अब बात आती है WMI कंट्रोल क्या होता है। WMI कंट्रोल को आपको समझने के लिए आपको विंडो मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट सर्विसेज जो होती है वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, तो हम इसको जाने देंगे अभी हम नहीं पढ़ेंगे। मैसेज क्वेरिंग क्या होती है, मैसेज क्वेरिंग मतलब तो बहुत सारी मेन सिस्टम जो PC1 की जो है मेन मैसेज सर्विस होती है, तो इस ID के ऊपर आएगी, और यहाँ पर आपको स्टोरेज लिमिट कितनी मिलेगी, कितनी KB के अंदर उसकी जो लिमिट होगी वो, और यहाँ पर स्टोरेज बताई गई है, सर्वर सिक्योरिटी बताई हुई है, तो आप सर्वर सिक्योरिटी ये अभी नहीं सिस्टम होगी, तो अभी इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि आपको सर्वर पढ़ना पड़ेगा सर्वर सिक्योरिटी के अंदर के MQ क्या होता है, HTTPS क्या वो पता, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं सेट करूँगा, तो देख आपने देख लिया कि ये हमारा कंप्यूटर माय कंप्यूटर मैनेजमेंट है, तो इस तरह से होता है माय कंप्यूटर मैनेजमेंट आप कह सकते हो या माय कंप्यूटर मैनेजमेंट भी कह सकते हो। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स के टास्क शेड्यूलर्स यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, इवेंट व्यूअर को यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, फिर हमने हम सीखा कि तो यहाँ पर हम सेट फोल्ड क्या होता है, सेट फोल्डर वो होता है कि जिसने आपने फोल्डर को शेयर किया है, जैसे कि मान लो कि मैंने क्लिक किया एक कोई फ्री फोल्डर के ऊपर, तो मान लो कि मैंने कोई भी फोल्डर मैंने लिया है, उस फोल्डर को मैंने शेयर किया, शेयर मतलब आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी हमें फाइल होती है या तो फिर हमारे वो है बहुत सारी ऐसी सिस्टम डॉक्यूमेंट होती है जो एक दूसरे को हम पहुंचाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कि कंपनी है और एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने, तो उसको क्या कहते हैं, शेयर किया होता है। फिर एक डिपार्टमेंट होता है दूसरे भी डिपार्टमेंट को इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको शेयर करते हैं, तो ये जो होती है फाइल करती है, फाइल के अनुसार होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेयर क्या होता है, वो डेटा वो सिस्टम जिसके अंदर आपका जो डेटा होता है जो भी फाइल होती है वो आपने शेयर की है। शेयर क्यों हम करते हैं, क्योंकि सामने वाले यूज़र को उस फोल्डर को एक्सेस करके उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइल हो या उसके फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो उसको चाहिए, क्योंकि वो उसके बिना काम नहीं कर पाएगा, डिपार्टमेंट आगे काम नहीं करेगा। तो इसी तरह से जो होते ही शेयर फोल्डर होते हैं, तो शेयर फोल्डर दो तरह के होते हैं, एक आपने मैन्युअली शेयर किया है या तो उसने आपको शेयर, दो तरह के आप शेयर कर सकते हो, पहले तो आप शेयर कर सकते हो नेटवर्क के ऊपर, और दूसरा जो होता है सर्वर के अंदर भी आप सेट कर सकते हो।
लेकिन हम बात करेंगे लोकल पीसी के बारे में, लोकल सिस्टम के अंदर में शेयर करेंगे। तो शेयर क्या होते हैं दो, यहाँ पर देखिए तो शेयर जो लिखा हुआ आते हैं, शेयर, सेशन और ओपन फाइल, ये तीन तरह की हमारे सिस्टम के अंदर बताई हुई है फोल्डर। तो शेयर क्या होता है, जितने भी मैंने फाइल जो होती है, जितने भी मैंने फोल्डर है वो यहाँ पर मैंने शेयर किए हुए हैं और यहाँ पर शेयर लिखा हुआ है। तो जब भी मैं एडमिन के अंदर हूँ, जैसे कि मैंने लग के जैसे ही मैंने एडमिन के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ पर जितने भी फाइल फोल्डर वगैरह है वो शेयर किए हैं, और शेयर करने के साथ साथ ही मैंने सिस्टम के अंदर क्या है, मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हो वो 1 2 3 4 5 ये फोल्डर क्या क्या शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पर शेयर क्यों करते हैं, क्योंकि एक का शेयर किया हुआ दूसरे को क्या होता है, उसको बेनिफिट मिलता है, उसको शेयर किया करते हैं। तो जब भी हम ये शेयर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा कोई सेशन, तो मैंने सेशन क्रिएट किया तो सेशन भी क्रिएट कर सकते हो किस तरह से, जो आप नेटवर्क पढ़ेंगे तब हम तो ओपन फाइल कभी कौन सी है, कौन ओपन कर रहा है, कौन सी तरह से ओपन किया, उसका लॉक है या नहीं, उसके ऊपर लॉक है या नहीं, ओपन मोड है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन फाइल कौन सी है अभी, तो आप मैं मॉनिटर कर सकता हूँ यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेयर किया है मैंने, तो शेयर का IPCS डॉलर लिखा है, तो बहुत सारी ऐसी सिस्टम वगैरह होती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बात शेयर की हो, शेयर फोल्डर की बात हो गई। सिस्टम टूल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, तो यही सिस्टम टूल्स होते हैं, टीवर्स मैनेजमेंट के बारे में आप पिछली वीडियो में सीखा था। तो यहाँ पर सिस्टम की जो IaaS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज